फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सैपीज़ किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक चिकन स्टार्टर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत कॉमन है। सभी लोग बाहर जाते तो हम ऑर्डर करते हैं अक्सर, वो है चिकन लॉलीपॉप। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आइए चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं चिकन लॉलीपॉप। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ लगेगी वो है ऑफकोर्स चिकन लॉलीपॉप, जो आजकल मार्केट में कोल्ड स्टोरेज में इजीली अवेलेबल होते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये मैंने रियल गुड का चिकन लॉलीपॉप लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मार्केट में इजीली मिलता है। ये 10 पीस का होता है, काफ़ी क्लीन और काफ़ी अच्छा होता है चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए। यहाँ मैंने 2 पैकेट ले लिया है, एक और ये 2। चिकन लॉलीपॉप के मैरिनेशन के लिए जो हमें सामान लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी, यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है, ये देख सकते हैं आप, अदरक है, ये फाइनली चॉप आपको अदरक लेना है। ये मेरे पास है फाइनली चॉप गार्लिक यानी कि लहसुन, इसे आप बिल्कुल फाइनली दोनों को चॉप कर लीजिए। यहाँ पे है मेरे पास हरी मिर्ची, इसे भी बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना है। और जो दूसरा चॉपिंग का सामान है वो है ये ग्रीन आप पत्ता देख सकते हैं, स्प्रिंग अनियन का आप पत्ता का पार्ट ले लीजिए, इसे बिल्कुल बिल्कुल फाइनली चॉप कर लीजिए। अब यहाँ पर सॉसेस में जो मेरे पास है वो है ये रेड चिली सॉस, जो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो नहीं डालिए, बट मैं ज़रूर डालूँगी, इससे टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। ये है मेरे पास सोया सॉस, ये है मेरे पास विनीगर, ये मेरे पास है इस चम्मच में आप देख सकते हैं मेरे पास है वाइट पेपर पाउडर, ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर जो कश्मीरी चिली पाउडर है जो मेरे चिकन लॉलीपॉप को अच्छा कलर दे देगी। यहाँ पे है मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा अजीनोमोटो, ये मेरे पास 2 अंडे है, ये मेरे पास है नमक जो हम स्वाद अनुसार डालेंगे, और ये मेरे पास है कॉर्नफ्लावर। आइए देखते हैं हमारा चिकन लॉलीपॉप किस तरीके से तैयार होता है। आइए हम हमारा मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे एक बोल ले लेंगे हम पहला, उस बोल में हम सबसे पहले हमारा ये जो अदरक है बारीक कटा हुआ, इसे डाल देंगे। अदरक से डबल क्वांटिटी में हमने बारीक कटा हुआ लहसुन डालना है। अदरक अगर 1 टेबल स्पून है तो आपका लहसुन 2 टेबल स्पून होना चाहिए। उसके बाद हम हमारी ये बारीक कटी हुई मैंने 3 हरी मिर्ची ले ली है, इसे डाल देंगे हम। हरी मिर्ची के बाद हम हमारा ये जो हरा पत्ता हमने काट के रखा है इसे डाल देंगे, ये लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। हरा पत्ता के बाद ये मेरे पास है रेड चिली सॉस, इसे डाल दीजिए आप, ये लगभग 1.5 से 2 टेबल स्पून है मेरे पास। अब हम इसमें हमारा ये जो सोया सॉस है इसे डाल देंगे, ये भी 1 चम्मच के लगभग है। सोया सॉस के बाद ये मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर है 1 चम्मच, इसे डाल दीजिए आप। ये कलर के लिए मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्ची है, हम इसे डाल देंगे। ये मेरे पास है 1 पिंच अजीनोमोटो, ये अक्सर लोग प्रिफर नहीं करते बट हम कभी कभी बनाते हैं तो कभी कभी हम डाल सकते हैं, मैंने 2 पिंच ले लिया है अजीनोमोटो का। ये मेरे पास है नमक, आप नमक स्वाद अनुसार डालिए। और अब हम डालेंगे हमारा विनीगर, वाइट विनीगर, 1, 2, 3 से 3.5 चम्मच है ये टेबलस्पून। हम इस मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, आप इसमें नमक और मिर्ची वगैरह आप अपने हिसाब से थोड़ा आगे पीछे डाल सकते हैं। इस मैरिनेशन में हमने हमारा जो चिकन अच्छे से वॉश करके रखा है उसे डाल देंगे। आप ध्यान दीजिए कि आपके चिकन में एक्सेस मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपने धोया है तो इसका सारा पानी सूख जाना चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास लगभग 20 चिकन लॉलीपॉप के पीसेस है। मैंने इसमें थोड़ी कश्मीरी मिर्ची और डाली है ताकि हमारे डिश का और कलर एनहेंस हो जाए, मतलब कि ये और अच्छा लाल लगने लगे। अब इस मैरिनेशन में हमें इसे कम से कम 9 घंटे रखना है। अगर आप दोपहर के समय बनाना चाहते हैं तो बेटर है कि आप इसे रात को ही इस तरीके से मैरिनेट करके रख लीजिए। ये देखिए हमारा चिकन लॉलीपॉप अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसे ढक के फ्रिज में लगभग 9 घंटे रख दूँगी, उसके बाद हम इसमें अंडा और कॉर्नफ्लावर डाल के फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए हमारे चिकन लॉलीपॉप अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। मैंने इसे लगभग 8 से 9 घंटा मैरिनेशन में डाला था। अब हम इसके आगे की विधि देख लेते हैं कि किस तरीके से चिकन लॉलीपॉप तैयार होता है। अब इसमें हम हमारा ये जो 2 अंडे हैं, हम इसे तोड़ के डाल देंगे। अब 2 अंडे डाल दीजिए इसमें। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से अंडों को। अब अंडों के बाद हम इसमें हमारा जो ये कॉर्नफ्लावर हमने लिया था इसे डाल देंगे। ये मेरे पास लगभग 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून एंड 3 टेबल स्पून के लगभग हम कॉर्नफ्लावर ले लेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लावर और अंडा दोनों मिक्स कर लिया है। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर और डालना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा पेस्ट है थोड़ा सा रनी है, मतलब थोड़ा पतला है, तो हमें इसे थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैं 1 टेबल स्पून लगभग और कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और फिर हम इसे 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए आप देख सकते हैं हमारा चिकन लॉलीपॉप फ्राई होने के लिए रेडी हो गया है। इसे मैंने थोड़ा सा थिन कंसिस्टेंसी में रखा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो आपका आउटर कवरिंग बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप वैसे भी रख सकते हैं थोड़ा कॉर्नफ्लावर ऐड करके। यहाँ मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें एक एक करके, मेरा तेल काफ़ी गर्म है, धीरे से मैं इसमें एक एक करके मेरा ये जो लॉलीपॉप है इसे फ्राई कर लूँगी। इसे हमने स्लो आंच पे फ्राई करना है, जैसे लॉलीपॉप फ्राई होते हैं गोल्डन ब्राउन कलर के। 2 मिनट के बाद मैंने हम गैस का थोड़ा सा फ्लेम हाई कर दिया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए हमारे चिकन लॉलीपॉप फ्राई होके तैयार हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे आके इसे निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। ये देखिए हमने हमारे लॉलीपॉप्स फ्राई कर लिए, आइए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारे चिकन लॉलीपॉप्स फ्राई होके तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, जल्दी बन जाते हैं। संडे स्पेशल बना सकते हैं आप बच्चों के लिए, ज़रूर बनाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।